Hello students, this is our channel Quick to Learn and I am Namita, or today we are going to study about some basic concepts of genetics. In fact, we'll start with genetics and we'll deal with introduction of genetics. आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टॉपिक्स की रिक्वेस्ट की है कि ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करो, एक कोई इलेवेंथ का, कोई ट्वेल्थ का, कोई टेंथ का, कोई नाइन्थ का. एंड चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैफजर्डली टेक अप दीज थिंग्स, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक विच एवर यू रिक्वेस्टेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर. ना, एक एक करके हम टॉपिक्स लेंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मेंडल्स लॉज. और मेंडल्स लॉज में भी आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी स्लोली, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डालेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद इंट्रोडक्शन. ओके, तो आप लोग प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सो दैट यू कैन नो वट एल्स यू गोइंग टू गेट इन फ्यूचर. हमें भी हेल्प मिलेगी और आपको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी. ऑल राइट, एंड यू प्लीज़ give your feedback also, that is also very important. Feedback is very very important. All right, now we'll start with our video. Mendel's laws. Now Mendel, who was Mendel? You must have studied the basics that Mendel was, his full name was Gregor Johann Mendel. So he was from a very poor background. Unke jo father the, he was not very rich and he was a simple farmer. एंड स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए मेंडल को बहुत सारे काम करने पड़ते थे, और उन्होंने जेनेटिक्स को एक नई डायमेंशंस दी, या ये कहो कि उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पहली बार स्टडी किया. सो दैट इज़ व्हाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. उनके पहले किसी ने भी इस फील्ड में रिसर्च नहीं की थी. उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इस फील्ड में रिसर्च की, और उनका जो जिस प्लांट पे उन्होंने वर्क किया, दैट वॉज दी पी प्लांट. पी प्लांट को उन्होंने चूज़ किया था. क्यों चूज़ किया था, उसके भी बहुत सारे रीज़न थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इनके लॉज को स्टडी करेंगे. तो उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था, उस पर ही सारा काम किया, और एनिमल्स पे भी काम किया. एनिमल्स में जो उन्होंने काम किया था वो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होती है, उस पर काम किया था. तो पी प्लांट हो गया. ओके, एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, हिज वर्क वॉज नॉट क्रेडिटेड. मतलब उनको क्रेडिट नहीं मिला उनके वर्क के लिए. बट वेन ही डाइड, तो उन कुछ सालों बाद, उनकी डेथ के कुछ सालों बाद, उनके वर्क को रीडिस्कवर किया. तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दे वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. ये लोग अलग अलग काम कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में. वन वॉज ह्यूगो डी राइस, अनदर वॉज कार्ल कॉरेंस, एंड देन एरिक वॉन श्मार्क. ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रहे थे. इन्होंने अपने अपने वर्क किया जेनेटिक्स पे, और मेंडल के अल्टीमेटली जो हुआ, इन्हें समझ में आया कि जो मेंडल के जो बुक्स हैं, जो उनके वर्क था, जो उनकी डिस्कवरीज थी, रिसर्च मटेरियल था, दैट वाज वेरी करेक्ट, ट्रू था. तो इसलिए फिर मेंडल को फेम मिली इनके वर्क के थ्रू. ऑल राइट, बट द टर्म जेनेटिक्स, ये जो टर्म है जेनेटिक्स हमारी, दिस वॉज गिवन बाय बेटसन. This was another scientist. He was another scientist and he coined this term, genetics. All right, so Bateson gave this term. Now, we'll start with our details. Now, genetics में हम बात करते हैं, तो genetics है क्या? Genetics is nothing but the transfer of characters from one generation to another. जो हमारे parents के जो characters हैं, वो हमारे अंदर कैसे आते हैं, हमारे characters हमारे future generations में कैसे जाते हैं, सारे characters नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं. All this, how does it happen and why does it happen? तो जो transmission of characters है from one generation to another, that is the study is genetics. Genetics में हम इसकी सारी details study करते हैं. तो सबसे पहली बात है कि genetics एक science है. Then what does it deal with? So it deals with heredity. Heredity क्या है? Heredity can be defined as transfer of characters from one generation to another. Parents के characters, जैसे बच्चे होते हैं वो अपने parents जैसे दिखते हैं. कुछ characters आपकी mother से आते हैं, कुछ father से आते हैं, कुछ great grandfather से, कुछ उनके father से. मतलब कोई भी character किसी भी generation से derive हो सकता है. तो ये genetics जो है वो उन laws को explain करता है कि आपका कौन सा character किस generation से कभी भी कैसे आ जाता है. कोई जादू नहीं है, it is a proper science. Alright, so that is what is heredity is all about. Now, जब characters transfer होते हैं, तो वो सारे characters as such transfer नहीं होते हैं.
ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस. सो व्हाट विल बी द वेरिएशंस? वेरिएशंस आर डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स इन इन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन. ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन में जो अलग अलग जो लोग होते हैं उनके जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो नई प्रोजेनी बनती है उसमें डिफरेंसेस आते हैं. पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएशंस. एंड वेरिएशंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये वेरिएशंस जो होती हैं, ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि ये वेरिएशंस किस में आती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, जब गैमेट्स कंबाइन करते हैं तब. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस कि अब ये वेरिएशंस आती कैसे हैं, फैक्टर्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? तो एक टर्म है जो हम पढ़ेंगे, जीन. मेंडल को जीन्स के बारे में नहीं पता था, तो ही टर्म देम फैक्टर्स, ही यूज टू कॉल देम फैक्टर्स. तो जीन्स क्या हैं? दे आर अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दे आर आल्सो नोन एज यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. और ये जो जीन्स हैं इनको हम, मेंडल जो था वो उनको एलील्स भी बोलते थे. एलील्स की जीन्स हैं, दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स. जैसे कोई कैरेक्टर है, टॉलनेस का कैरेक्टर है सपोज, तो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल टी से, तो ये पेयर में आएगा. अगर वो डोमिनेंट है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है. कोई कैरेक्टर किसी जनरेशन में अगर प्रेजेंट है, दिख रहा है, कोई कैरेक्टर किसी जनरेशन में अगर दिख रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट. ठीक है, वो अगर अकेला है, जैसे अब हम अलील्स की बात करें, अलील क्या है? पेयर में होते हैं. जैसे ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये टॉलनेस के एलील हो गए. ये क्या हो गए? टॉलनेस के एलील्स हैं. ठीक है, अब दूसरा एक और पेयर लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी. एक और तीसरा पेयर लेते हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. अब ये देखो, जहाँ पे दोनों एलील्स कैपिटल हैं वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा. दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं. हम जेनेटिक्स में डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या है? एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है. अब यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है. रिसेसिव क्या होते हैं? वो कैरेक्टर्स जो कि अपने आप को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेंगे? जब उनके जैसा ही एक दूसरा कैरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, दूसरा अलील प्रेजेंट होगा, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. तो यहाँ पे अलील्स देखो, ये वाला जो पेयर है दिस इज़ डोमिनेंट. इसमें दोनों अलील्स डोमिनेंट हैं, ये तो ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा. मतलब ये अगर प्लांट होगा तो वो टॉल होगा. दूसरा जो कैरेक्टर है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या होगा कि टॉलनेस ही एक्सप्रेस होगी, मतलब जो प्लांट बनेगा वो टॉल बनेगा. अब ये क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एलील्स क्या थे? डोमिनेंट थे. यहाँ पे दोनों एलील्स क्या हैं? एक कैपिटल है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है. और यहाँ पे दोनों जो हैं वो रिसेसिव हैं. अब जब ये दोनों रिसेसिव हैं तो ये क्या करेंगे? ये अपने आप को अब एक्सप्रेस कर पाएंगे. और ये रिसेसिव कैरेक्टर किसका है? ड्वार्फनेस का. मतलब ये प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा. ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हाइट होगी इसकी. तो ये वाला प्लांट ड्वार्फ होगा, ये टॉल होगा और ये भी टॉल होगा. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब एक से अलील प्रेजेंट होते हैं, रिसेसिव अलील्स, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. अगर डोमिनेंट अलील होगा तो एक डोमिनेंट है, तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, वो ये हम दिखा रहे हैं. और अगर दोनों ही डोमिनेंट हैं तब तो ऑब्वियसली वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो ये एक अलील्स के बारे में बात हो गई. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स में क्रॉस. क्रॉस आप वैसे कहते हो तो क्रॉस क्या होता है? जेनेटिक्स में क्रॉस होता है अ सेक्सुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, चाहे वो दोनों डोमिनेंट हो. जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था ना, तो हमने ये मेल गैमेट्स ले लिए. सपोज ये मेल गैमेट्स ले लिए और ये फीमेल गैमेट्स ले लिए. तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इसकी डिटेल्स. इनके बीच में जो हम क्रॉस कराएंगे, मतलब इनका जो सेक्सुअल इंटरेक्शन होगा, दैट इज़ नोन एज अ क्रॉस. ऑलराइट, सो क्रॉस इज अ सेक्सुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलील्स और गैमेट्स. नाउ व्हाट इज अ हाइब्रिड? अ हाइब्रिड इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग कंट्रास्टिंग जीन्स. कंट्रास्टिंग जीन्स मतलब कि उसके पास एक जीन जो है वो टॉलनेस का है और एक जीन, दूसरा जो अलील है या जीन है वो किसका है? ड्वार्फनेस का. तो ये हो गया हाइब्रिड. अ हाइब्रिड हैज़ कंट्रास्टिंग जीन्स, मीन्स ऑपोजिट पेयर ऑफ जीन्स.
तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या प्लांट जिसके अंदर दो डिफरेंट अलील्स हैं या कंट्रास्टिंग अलील्स हैं, उसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड, वी कॉल इट अ हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स कंट्रास्टिंग, ये कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आर प्योर, प्योर क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर जीन्स, जैसे कि दिस इज प्योर फॉर टॉलनेस, नाउ दिस इज ऑल्सो प्योर, ये दोनों रिसेसिव हैं लेकिन ये प्योर हैं क्योंकि इसमें दोनों एलील्स जो हैं या दोनों गैमेट से हैं वो सेम हैं, सिमिलर हैं, तो ये भी प्योर है और ये भी प्योर है क्योंकि इनके एलील्स सेम हैं और ये हाइब्रिड था क्योंकि इसके एलील्स डिफरेंट थे। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि इम्प्योर प्लांट का मतलब ये हो गया कि अगर किसी के जेनेटिक्स जीन्स जो हैं वो इम्प्योर हैं, दैट मीन्स दैट प्लांट इज़ अ हाइब्रिड। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, दी ओनली थिंग इज इट जीन्स आर, इट्स जीन्स आर मिक्सड, तो हम यहाँ पे इसको हाइब्रिड बोल देते हैं कि ये हाइब्रिड है। अब आप देखो कि इसमें मेंडल ने ये सारी टर्म्स जो एक्सप्लेन, ये हमारी एक्सप्लेन की हैं, इसके बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए थे जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ जेनेटिक्स। कई लोग पहले पुरानी बुक्स में होता था कि मेंडल के तीन लॉज को बोल देते थे कि मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, लेकिन अभी हम आज के हिसाब से जो आज का सिलेबस है उसके हिसाब से वी जस्ट स्टडी टू लॉज ऑफ जेनेटिक्स एंड दैट विल बी डूइंग इन आर नेक्स्ट वीडियो। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वन जस्ट टू गेट यू फेमिलियर विद दीज टर्म्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग मेंडल्स फर्स्ट लॉ। ऑल राइट, सो प्लीज़ watch this, like it, subscribe to the channel, and please tell me about your problems. All right, thank you.